हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज अनिल सिंह एंड यू आर वाचिंग टॉपर चॉइस। गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम कॉमनली मिस प्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ वर्ड्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि रेज्यूम, ऑलमंड, पिज्जा, टेक्नोलॉजी, वुमेन, वीडियो, डेंगू, अस्थमा, डिटरमिन, ब्रेकफास्ट। ऐसे ढेर सारे मोर देन 30 वर्ड्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन मोस्टली लोग गलत करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट जो वर्ड है, ठीक है, इसमें अब आप बताइए कि RESUME करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन सा है, रेज्यूमे या फिर रेज्यूम। गाइस, इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है रेज्यूम। ओके, लेट्स सी द सेकेंड प्रोनाउंसिएशन। PRONUNCIATION करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण प्रोनाउंसिएशन वर्ड का कौन सा है, प्रोनाउंसिएशन या फिर प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो इसका गलत प्रोनाउंसिएशन, इसका गलत उच्चारण होता है प्रोनाउंसिएशन, राइट। इसका सही उच्चारण कौन सा होता है, प्रोनाउंसिएशन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। SOUR What will be the correct pronunciation of this word? Okay. Sour या फिर sour. Okay. What will be the correct pronunciation? दोस्तों, इसका सही उच्चारण होगा sour. R भी इसमें silent है, sour. Okay. Let's see the next. DENGUE बहुत से लोगों को हमने इसको डेंगू या फिर डेंगी बोलते हुए सुना है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डेंगू या फिर डेंगी। दोस्तों, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है डेंगी। ओके, नेक्स्ट COUPON बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बार बार इसको आपने सुना होगा, कूपन। ओके, इसको लोग क्या उच्चारित करते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन इसका होता है, कूपन, जबकि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है कूपन। दिस इज कूपन, COUPON द राइट प्रोनाउंसिएशन इज कूपन। लेट्स सी द नेक्स्ट। WEDNESDAY सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वेडनेसडे या फिर वेंसडे। गाइस, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है वेंसडे, वेडनेसडे इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण है वेंसडे। चेसिस या फिर चासिस, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज चासिस, नॉट चेसिस। नेक्स्ट TETERMINE What will be the right pronunciation? What will be the correct pronunciation of this word? Okay. Determine या फिर determine. The right pronunciation is determine. Okay. Let's move forward. The next word is technology. Technology. TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज टेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला वर्ड COUGH कफ, मीस होता है खांसी। ओके, तो इसका सही उच्चारण क्या होगा, कफ
या फिर कफ। गाइस द राइट प्रोनाउंसिएशन इज कफ नॉट कफ। लेट्स सी द नेक्स्ट। ASTHMA, बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, ये बीमारी का नाम है अस्थमा, जिसका हिंदी होता है दमा। ओके तो अस्थमा राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अस्थमा या फिर एजमा। राइट प्रोनाउंसिएशन इज एजमा। यहां पर टी एच साइलेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। PIZZA, PIZZA, पिज्जा। बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, पिज्जा या फिर पिज्जा। ओके तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, पिज्जा या फिर पिज्जा। द राइट प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज पिज्जा नॉट पिज्जा। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट। वीडियो या फिर वीडियो, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज वीडियो नॉट वीडियो। वीडियो और वीडियो, दिस इज वीडियो। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट। DATA, डाटा या फिर डेटा। सही प्रोनाउंसिएशन है डेटा नॉट डाटा। नेक्स्ट WOMEN, वुमेन या फिर विमेन। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज विमेन नॉट वुमेन। लेट्स सी द नेक्स्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता। ओके दिस इज ब्रेकफास्ट या फिर ब्रेकफास्ट। गाइस दिस इज ब्रेकफास्ट नॉट ब्रेकफास्ट। बस फर्स्ट पे और फास्ट ये डिफरेंस है, ब्रेकफास्ट नहीं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा ब्रेकफास्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट। TOMB प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टॉम या फिर टोम। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टोम नॉट टॉम। ओके टॉम किसको बोलते हैं, जो मकबरा होता है जहां पर किसी को दफनाया गया हो, ठीक है, तो वहां पर टॉम बनाया जाता है, जिसको टॉम बहुत से लोग पढ़ते हैं। जबकि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, करेक्ट उच्चारण क्या होगा, सही उच्चारण होगा टोम, दिस इज नॉट टॉम। ओके VOWL, देखो बाउल पढ़ा जाता है ना, ठीक है, ये क्या होता है, इसका दो अभी मीनिंग याद आ रहा है हमको, एक तो कटोरा और दूसरा होता है बॉलिंग करना, जो बॉलर्स बॉलिंग करते हैं ना, ठीक है, ही बॉल्ड, उसने बाउल किया, तो वर्ब भी होती है, नाउन की बात करें तो कटोरा। ओके तो अब यहाँ अपनी कंट्री में इसको ज्यादातर लोग बाउल ही पढ़ते हैं। ओके जबकि इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है बॉल नॉट बाउल। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट। CACHE, दिस इज कैचे और कैसे। राइट प्रोनाउंसिएशन इज कैशे नॉट कैचे। SUITE, क्या पढ़ेंगे इसको, सूट या फिर स्वीट या फिर स्वीट, क्या पढ़ेंगे। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज स्वीट नॉट सूट। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट। आलमंड बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार आपने लोगों को सुना होगा ऐसा बोलते हुए आलमंड, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन आलमंड नहीं, इसका सही उच्चारण है आमंड। एल यहां पर साइलेंट है, दिस इज आमंड नॉट आलमंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द। ओके लिंगरी, क्या लिखा है लिंगरी। लिंगरी क्या होता है दोस्तों, जो वुमेन के अंडर गार्मेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग लिंगरी बोलते हैं। तो राइट प्रोनाउंसिएशन देखने में आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि लिंगरी लिखा है, बट ये सही नहीं है। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज लॉन्जरी, दिस इज लॉन्जरी। लेट्स सी द नेक्स्ट। फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च। ओके द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फैब इज फेब्रुवरी
या फिर फेब्रुअरी, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज फेब्रुअरी। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वायलेंस या फिर वायलेंस, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज वायलेंस नॉट वायलेंस। सी द नेक्स्ट, आई आर ओ एन, दो मीनिंग होते हैं इसकी, एक तो लोहा और दूसरा होता है इस्त्री करना। ओके तो क्या पढ़ते हैं इसको, आयरन या फिर आयन, सही उच्चारण आयन है, आयरन नहीं। ओके अगला वर्ड देखते हैं, रिसीट क्या होता है, जब आप कुछ परचेज करते हैं तो आपको उसकी रसीद मिलती है, तो उसका उच्चारण इस वर्ड का आर ई सी ई आई पी टी, सही उच्चारण सही प्रोनंसिएशन क्या होगा, रिसीप्ट या फिर रिसीट, सही उच्चारण सही प्रोनंसिएशन है रिसीट नॉट रिसीप्ट, यहाँ पर पी साइलेंट है। ओके दोस्तों, अगर आपने साइलेंट लेटर्स वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो फिर आपको एंड में इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ए टू जेड साइलेंट लेटर्स के जितने रूल्स होते हैं, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, एच ई ए आर टी, एच ई ए आर टी, इसको बहुत से लोगों में हमने देखा है कि इसको हर्ट पढ़ते हैं, हर्ट। ओके बल्कि हर्ट या फिर हार्ट, जबकि इसका जो सही उच्चारण है वह है हार्ट, आर यहां पर साइलेंट है, हार्ट, दिस इज हर्ट नहीं है और ना ही हार्ट है, सही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हार्ट। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, सी ओ सी ओ ए, कोको या फिर कोका, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, कोको या फिर कोका, दोस्तों इसका सही प्रोनाउंसिएशन है कोको नॉट कोका, ठीक है, आपके यहां मिलते हैं ना, आपके यहां मिलते हैं क्या, कोको कोला या फिर कोका कोला, दिस इज कोको कोला नॉट कोका कोला। ओके कोको होता है, कोका नहीं। ओके नेक्स्ट, एम ओ एन के, मॉन्क, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा मंक नॉट मॉन्क। ओके अगला देखते हैं, ओके भैया ये कौन आ गया, पुलिस, अरे भागो, पी ओ एल आई सी ई, पुलिस या फिर पुलिस, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज पुलिस नॉट पुलिस। ओके तो बस आज के लिए इतना ही, और अगला वीडियो हमारा रहेगा 30 मोस्ट कॉमनली मिस स्पेल्ड इंग्लिश वर्ड्स। ओके तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।